आरमला डिग्री कॉलेज में युवा फाउंडेशन द्वारा जागोरे मुहिम के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया। सोमवार को आरमला डिग्री कॉलेज चेतगंज में युवा फाउंडेशन द्वारा जागोरे मुहिम प्रारंभ किया गया, जिसके जरिए छात्राओं को महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति जागरूक किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और काशी जोन के DCP RS गौतम उपस्थित रहे, साथ ही ACP शिवा सिंह भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि सबसे पहले आप आत्मविश्वास के साथ चलें, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका आत्मविश्वास देखकर बहुत से मानसिक विकृति के लोग आपसे यूं ही दूर हो जाएंगे। मुश्किल घड़ी में घबराएं नहीं, डट कर सामना करें। प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 112 और 1090 पर तुरंत कॉल करें और सहायता लें। प्रशासन हर तरह से आपके सहयोग करने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में कॉलेज की CEO पूजा दीक्षित, अनुज कुमार सिंह एवं उनकी टीम उपस्थित रही। जागोरे टीम से आलोक गुप्ता, चंचल कुमार तिवारी, रविंद्र मिश्रा, बबलू बिंद, आलोक चौधरी, पारितोष मिश्रा, बबलू यादव, पुष्कर दीक्षित, गौरव सुमन, सोनाली सोरेन, सुशील विश्वकर्मा, शिवांशु सिंह, रोटी बैंक से अनूप पांडे, सीमा चौधरी, कमलेश कुमार, अमित शर्मा, रोहन आदि उपस्थित थे। अवेयरनेस की बातें काफ़ी हुई और मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम बच्चियों के लिए इसका इस विद्यालय में रखा गया है और इसके लिए मैं संस्था को और युवा फाउंडेशन दोनों को बधाई देता हूँ, आर्यकन्या संस्था को भी। और ये इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि समाज इस समय वक्त की मांग भी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है कि महिला संबंधी जो भी मामले आते हैं, अपराध होते हैं, उनमें त्वरित कार्रवाई करें और जल्द त्वरित एक्शन लें और निष्पक्ष एक्शन लें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों का अंग है, तो इसी लिहाज से मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपनी बात भी रखूँ। और मैंने मुख्य रूप से एक बात कही है कि एक तो लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलने चाहिए, दूसरा जो भी पीड़ित बच्ची या कोई भी अन्य व्यक्ति भी हो, अगर किसी भी काउंसलर के पास में, किसी टीचर के पास में, किसी पुलिसकर्मी के पास में आता है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य यह है कि बिना इंटरफेयर किए उसकी बात को हम मनोयोग से सुने। अगर हम सुन लेंगे ध्यान से तो अपने आप समाधान निकल आएगा और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को राहत का भी अनुभव होगा। तो यही बात मैंने आज रखी। आप आत्मविश्वास, अपना आत्मविश्वास दिखाइए सबसे पहले बात, अपनी परेशानी को लोगों के सामने कहना शुरू कीजिए। चुप मत रहिए, क्योंकि अगर आपने चुप्पी नहीं तोड़ा तो आपको मुसीबत का सामना आप ही को करना पड़ सकता है। इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर हम लोगों ने छात्राओं को अवेयर किया कि आप आते जाते हैं, आपके साथ अगर किसी भी तरह का अश्लील व्यवहार होता है, कुछ भी होता है, तो आप अपनी बातों को कहें और उसे सहे ना। और इस मुहिम, हमने अनुरोध भी किया कि इस मुहिम से जोड़ो, क्योंकि अगर हम सभी लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक लोगों तक ये बात नहीं पहुँच पाएगी।